सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा एस्के और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो F21 Pro के बारे में। तो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी फुल डिटेल, फुल रिव्यू के बारे में एंड साथ ही इसके हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि आपको मैं सारा कुछ A to Z बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो गाइज देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी बॉडी और डिजाइन के बारे में। तो इसकी जो बॉडी है वो गाइज काफ़ी कमाल की और बहुत ही पतली बॉडी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कितना स्लिम ये फ़ोन है। अगर आप जो इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो सर कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, मतलब कि हाथ में जो एक बहुत ही अच्छा जो भी पकड़ते टाइम बहुत ही अच्छा जो फील है यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड अगर बात करें इसके कैमरा वेजल्स की, तो कैमरा जो थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आने वाला है इस साइड से, जो कि आपको यहाँ पे कवर लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे आपको एक जो लाइट्स देखने को मिल जाती है, जो कि आपको कभी कभी यूज़ कर मिलती है, जैसे कि अगर आप लोग चार्जिंग वगैरह चार्ज फ़ोन को अगर चार्जिंग से कनेक्ट करते तो भी यहाँ पर जो चार्जिंग ये चलती लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फ़ोन को मैं चार्जिंग का मेरा जो स्विच है ऑफ है, तो देखो जैसे यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग से स्विच कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे इसमें लाइट चल गई। बाकी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस वगैरह अगर कोई आती है तो यहाँ पे ये जो लाइट्स है वो अच्छे से आपको बताती रहती है, ठीक है। चलो एंड साइड में आपको जो है राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन, और लेफ्ट साइड में जैसे कि आपको ओप्पो में मिलते हैं। और सिम वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डबल सिम और एक मेमोरी कार्ड आपको लग सकता है, ठीक है, डायरेक्टली इसमें के अंदर। बहुत और फोनों के अंदर ऐसा होता है कि भाई मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, सिम लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। चलो बात करने वाले हैं इसके हिडन फीचर्स के बारे में। जैसे कि इसके कैमरे की डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं, तो कैमरे आपको यहाँ पे पीछे जो दो कैमरे मिलते हैं, ठीक है, एक कैमरा मिल तीन कैमरे मिलते हैं आपको पीछे। पहला कैमरा मिल जाता है आपको 64 मेगापिक्सल, दूसरे दो कैमरे जो मिलते हैं वो आपको 22 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। कैमरा काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कैमरे के लिए मुझे एक अलग से फुल डेडिकेटेड वीडियो बनानी रहेगी। और फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके हिडन फीचर्स के बारे में। जैसे कि इसके सेटिंग्स बैकग्राउंड में अगर हम जाएँ तो कैसा मिलता है, तो हमारा जो ये फ़ोन रन करता है वो रन करता है कलर OS 12 पे, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एंड्रॉयड 12 पे ये, तो हाँ एंड्रॉयड वर्जन 12 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो एंड्रॉयड 12 का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, लेटेस्ट फ़ोन है आपको पता ही है। एंड यहाँ पर कलर OS 12 ही यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। कलर OS का भी वर्जन जो है वो आपको 12 ही यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस आपको यहाँ पे 8 GB रैम मिलती है, प्लस यहाँ पे 3+5 GB तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी 5 GB रैम तक आप जो इंक्रीज कर सकते हो, ओके फाइन, ठीक है। एंड अगर और चीज़ के बारे में बात करें, 128 GB इंटरनल इसके इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे देखो, फिक्स यहाँ पे मैंने कुछ लगाया ना विंडो वगैरह के लिए, यहाँ पे कुछ अलग फीचर्स आते हैं 100 वगैरह, ठीक है, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही गाइस यहाँ पे अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है जो मैंने आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ पर्सनल इसमें अगर जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी इस पर कुछ नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ वॉलपेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे, स्लट आइकन भी यहाँ से जो अपने हिसाब के कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगेगा, ठीक है। थीम्स की स्टोर का भी यहाँ पे जो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कोई डाउनलोड करना चाहते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी देखने को मिल जाती है, मैं सारे फीचर्स आपको बताऊँगा। A to Z और कंट्रोल पैनल यानी कि जिसे हम नोटिफिकेशन पैनल कहते हैं, वो भी यहाँ से आप जो अपने हिसाब से जो चेंज कर सकते हो, आपको आइकन्स कैसे चाहिएगा, ठीक है, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का किया तो ऐसा हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर वगैरह जाएँ तो यहाँ पे देखो कलर वगैरह आप जो जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हो। इनका जो कलर है रंग बिरंगा, ये जैसे ठीक है लगे आपको वैसा कर सकते हो। फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कस्टम कलर भी आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से लगा सकते हो गाइस, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो कैसा है ग्रीन है, चलो गाइस, ठीक है। एंड फ्रंट साइज़ वगैरह भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रंट भी आपको यहाँ पे 3 से 4 फ्रंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बाकी अलग से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और साइज़ वगैरह सारा कुछ यहाँ से। और LED लाइटिंग जो कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे पीछे लाइट मिलती है इसके लिए यहाँ पे, और कुछ यहाँ से जो LED लाइट मिलती है जो कि लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने पर शो होती है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये आएगी, जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आती है आपके पास तो हमने इसको सेट कर लिया, बाकी आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं गाइस, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। तो आप कोई भी सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर आएगी। राइटिंग लाइटिंग जो कि हमने पीछे बताया, ठीक है, कैमरे पे, वो यहाँ पे कुछ ऐसा फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, आप जो कभी भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, अदरवाइज आपके पास फ़ोन है तो आप जो चेक कर सकते हो, ओके फाइन, ठीक है। बैक जाते हैं
एंड यहाँ पे होम स्क्रीन में क्या फीचर्स मिलते हैं चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आइकन्स वगैरह को जो है जितना जो साइज करना है वो कर सकते हो, ठीक है गाइज। यहाँ पर आइकन को अगर ऑटो फिल स्पेस लगाना है तो वो लगा सकते हो, ठीक है गाइज। और यहाँ पे देखो ग्लोबल सर्च को अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नोटिफिकेशन ड्राइवर अगर आप लगाना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पे जैसा चाहे आपको वैसा मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को भाई ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये चीज़ कहाँ है, इस ये चीज़ कहाँ, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई और टॉपिक मतलब कि कोई फीचर्स जो स्पेशली आप जानना चाहते हो कि इस फॉर्म के बारे में, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट में जरूर बताना, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन पैनल भी आ जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन और स्टेट के बाद तो यहाँ पे आप ये सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, बाकी यहाँ पे बैनर और अनबैनर कुछ भी लगा सकते हो जैसा ठीक लगेगा, ठीक है। तो जैसे नोटिफिकेशन ऐसी चाहिए वैसी चाहिए सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा गाइस, ठीक है। डॉट चाहिए, नंबर में चाहिए, सब कुछ बताएगा। ओके फाइन, ठीक है, आप बैक हो सकते हो। और गाइस यहाँ पे सेफ्टी पे जा सकते हो। बैटरी है, बैटरी की बात करूँ तो बैटरी काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बैटरी जो बहुत अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस चलती है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट बैटरी जो है अपना काफ़ी अच्छा जो काम करती है। तीन दिन 34 मिनट तक यहाँ पर चलने की अभी भी उम्मीद बता रहे। ऑन स्क्रीन ये 5 घंटे 42 मिनट अभी वर्क करेगी, ठीक है। तो चलिए कोई बात दिक्कत नहीं। और लास्ट टाइम आप देख सकते हो एक दिन 3 घंटे पहले मैंने इसको चार्ज किया था, वो भी मैं 99 मैंने किया था, 100 नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि मैं 99 नहीं करता, 100 नहीं करता। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप यार 100 मत करो, क्योंकि गर्मी का मौसम है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बैटरी को लेकर, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 80 या 90 तक की अपनी बैटरी करो। बाकी ऐप यहाँ पे ऐप में जाओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया, सारे आप देख सकते हो। ऐप लॉक भी यहाँ से ऐप को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। ऐप डिफॉल्ट ऐप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको यहाँ जहाँ करना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो नीचे आ जाते हैं स्पेशल फीचर्स पे अगर आएँ तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्विक लॉन्च, स्मार्ट साइड बार, स्मार्ट साइड बार आप लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला हो जाता है यहाँ पे सिट, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आएगा, फिलहाल मुझे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। साथ ही यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पे जो अपने बटन वगैरह को जो चेंज कर सकते हो कि भाई बटन कैसे करना है, या फिर हाइड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कीबोर्ड की सेटिंग और जो लैंग्वेज वगैरह को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ टाइम वगैरह जो भी है, ठीक है। ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पे अपने फ़ोन को रिसेट भी कर सकते हो, OTG कनेक्शन को भी यहाँ से इनेबल कर सकते हो। बहुत से लोगों को USB लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। एंड यहाँ पे नीचे आ जाते हैं सिस्टम में, मैंने बता दिया सारा, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी वगैरह ये सब कुछ है यहाँ पे, और बस नीचे आ जाते हैं फिर से। अबाउट सेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया, यूजर और गूगल वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया। यही सारे इसके हिडन फीचर्स थे, और आई होप कि आप लोगों को हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।